हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आर्यन 4-5 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 3 मई शिफ्ट 1 2023 में पूछे गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि हर क्वेश्चन आप लोग एटलीस्ट 10 सेकेंड के अंदर या 10 सेकेंड में कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 4% की वृद्धि होती है। यदि वृद्धि के बाद वस्तु का मूल्य 832 हो जाता है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है। मैं सभी क्वेश्चन को कोशिश करूंगा कि 5 से 10 सेकंड में आप लोग हल कर लें। देखिए इसे कैसे हल करेंगे। अब इसमें बोला गया है एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 4% की वृद्धि होती है। 4% की वृद्धि, अब 4% का मतलब क्या होता है, 4/100 होता है, और 4/100 का मतलब 1/25, ठीक है। अब इतने की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि, यानी 25 में एक की वृद्धि, ठीक है। 1/25 का मतलब 25 में एक की वृद्धि, अगर पहले 25 है तो बाद में हो जाएगा 26। तो यहाँ पे दिया गया है वृद्धि के बाद वस्तु का मूल्य 832 हो जाता है, तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 25 से 26 हो रहा है, इस 26 का मान है 832, 26 का मान 832 है। तो आप लोग यहाँ से एक का मान निकाल सकते हैं, 26 बराबर 832 काट देंगे तो एक का मान आएगा, 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, एक का मान आएगा 32, ठीक है। एक का मान 32 आ जाएगा तो आपको पूछा गया है वस्तु का वास्तविक मूल्य, ठीक है, यानी ये पहले वाला मूल्य पूछा गया है, ठीक है। तो पहले वाला मूल्य निकाल दीजिए, तो 25 का मान कैसे निकालेंगे, एक का मान 32 तो 25 गुणे 32 करेंगे तो आपका आ जाएगा 800, ठीक है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना आ गया, 800, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। फिर से देखिए, 4% की वृद्धि है, 4% का मतलब होता है 1/25। अब वृद्धि है यानी 25 में एक की वृद्धि है, पहले मान 25 है तो अब हो जा रहा है 26, इस 26 का मान है 832, 26 का मान 832 के बराबर है, तो यहाँ से एक का मान निकाल देंगे, काट देंगे तो एक का मान आएगा 32, एक का मान 32 तो 25 का मान क्या हो जाएगा, 25 गुणे 32, तो आपका आ जाएगा 800, ठीक है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन जिसमें 800 रुपये आपका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक दुकानदार शर्ट पर 15% और 25% की दो क्रमागत छूट देता है, ठीक है, इसमें दो क्रमागत छूट दी गई है, और पूछा गया है इसमें वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक शर्ट का अंकित मूल्य है 1000, ठीक है। अब इस पर दो छूट दी गई हैं क्रमागत, पहली छूट दी गई है इस पर 15% की, तो 1000 का 15% होता क्या है, 1000 का 15% निकालेंगे तो 150 आएगा, यानी 1000 पे 150 की छूट, तो अब कितना दाम हो जाएगा, 850, ठीक है। अब दूसरी छूट कितनी है, 25%, तो अब 850 का 25% निकालेंगे, 850 का 25%, 850 का 25% मतलब 1/4 काट देंगे, ये आएगा 4 × 8 एक, 212.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 850 का 25% छूट है तो कितना आएगा यहाँ पे, 212.5, ठीक है, 212.5 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 850 में इतने की छूट, तो 850 में से अब माइनस करेंगे 212.5 तो आपका आ जाएगा 637.5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, इसमें दो छूट दी गई हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला। फिर से देखिए, आपको दिया गया है यहाँ पे अंकित मूल्य शर्ट का 1000 दिया गया है, ठीक है। अब इस पर पहली छूट दी गई है 15% की, ठीक है, 1000 पे 15% की छूट है, तो 1000 का 15% निकालेंगे, 1000 का 15% कितना होता है, 20 कट जाएगा, 150 होता है, यानी 1000 पे 150 रुपये की छूट, तो 1000 पे 150 रुपये की छूट हो गई, तो 1000 माइनस 150 तो कितना आ जाएगा, 850, तो 15% छूट के बाद दाम आ जाएगा 850। अब इस पर भी 25% की छूट है, दूसरी छूट, तो 850 का 25% निकालेंगे, अब 850 का 25% मतलब कि 1/4 काट देंगे तो ये आएगा 212.5, यानी 850 पे 212.5 की छूट है, ठीक है, इतने की छूट है, घटा देंगे तो ये आएगा आपका 637.5, ठीक है। तो 25% छूट मतलब कि 212.5 रुपये की छूट, आप 850 माइनस 212.5 आपका आएगा 637.5, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 637.5। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 6a² होता है। इसका मान दिया गया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पूछा गया है घन का आयतन यानी a क्यूब का मान पूछा गया है। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है आपका 6a². ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया है 6a², तो यहाँ से आप लोग ए स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, 6 से भाग कर देंगे, 6×6=36, 6×4=24। तो ए का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ए का मान 8 आ जाएगा, तो आपको निकालना है ए क्यूब घन का आयतन यानी 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। ठीक है, तो ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन पूछा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब। आपका पहला ऑप्शन सही है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे कि व्यय समान रहे। क्या बोला गया है इसमें, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि। अगर मान लीजिए पहले चीनी की कीमत 100 है तो उसमें 25% की वृद्धि हो रही है, 125। ठीक है, मान लीजिए पहले 100 कीमत है तो खपत भी 100 हो रही है। अब यहाँ पे कहा गया है चीनी की कीमत में वृद्धि की जाती है तो खपत जो है वो समान होना चाहिए, मतलब यहाँ भी 100 ही होना चाहिए। तो आपको बताना है कि ये 125 से 100 करने में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से, आपको बताना है खपत जो है इसमें समान होनी चाहिए, तो मतलब यहाँ पे भी 100 ही होना चाहिए, तो कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 25 का अंतर है, तो 25 का अंतर है, तो अब इसी को प्रतिशत निकालना है। 25 कम करना है 125 में, 25 कम करना है 125 में, गुणे 100 काट देंगे, 5 यहाँ पे काट देंगे, 20, यानी टोटल 20% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाके खपत आपका समान रहेगा। ठीक है, तो यानी इसमें आपका आंसर क्या आएगा, 20%। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। फिर से देखिए, मान लीजिए चीनी की कीमत 100 है, ठीक है, और पहले खपत भी 100 है। अब क्या हो गया, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि, लेकिन यहाँ पे बोला गया है खपत जो है, व्यय जो है वो समान होना चाहिए। यहाँ पे व्यय 100 है तो यहाँ पे भी 100 ही होना चाहिए, तो कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टोटल 25 का अंतर तो है, इस 25 को प्रतिशत निकालना है, 25 कम करना है 125 में से, गुणे 100। ठीक है, अब इसे हल कर लेंगे तो आपका आएगा क्या, 20%। ठीक है, जो कि आपका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है जबकि बी उस कार्य को अकेले 16 घंटे में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ काम करते हुए उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी, ठीक है, इन दोनों का पूछा है कि कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं काम। ठीक है, तो काम तो होगा टोटल एक, अब कितने घंटे में पूरा करेंगे, तो ए और बी की क्षमता निकालनी होगी दोनों की। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए 8 घंटे में पूरा करता है और बी अकेले 16 घंटे में पूरा करता है, तो ए की क्षमता हो गई 1/8, बी की क्षमता 1/16। दोनों की क्षमता निकालना है आप लोगों को, दोनों की क्षमता निकाल दीजिए। दोनों की क्षमता कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी, दोनों की क्षमता हो जाएगी 1/8, 1/16। इसे हल करेंगे तो आपका आएगा 3/16, दोनों की क्षमता 3/16। तो ए प्लस बी कितने घंटे में पूरा करेंगे कार्य को, 1/3/16। ठीक है, इसे हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 16/3 घंटे में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर है आपका पहला वाला, ए और बी दोनों एक साथ काम करते हुए उस कार्य को 16/3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, उनमें से 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो शेष विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। ठीक है, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु है 14। ठीक है, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु है 14, तो 10 की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 140, और उनमें से 4 विद्यार्थियों की औसत आयु है 12, तो 4 की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 12×4 कितना हो जाएगी, 48। तो पूछा है शेष विद्यार्थियों की औसत आयु, मतलब कि शेष कितने बचेंगे, 6,
तो यहाँ पे देखिए शेष कितना बचेगा, 92। अब इसी का पूछा है 6 जो बचे हैं उनकी औसत आयु, तो यानी औसत आयु निकालना है इनकी, तो यानी 92/6, 92/6 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 46/3। तो जितने बचे हैं 6 विद्यार्थी जो बचे हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 46/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 46/3, आपका इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, 46/3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ईजी है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? ठीक है, दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, एक संख्या 10% अधिक है और दूसरी संख्या 25% अधिक है। तो मान लीजिए तीसरी संख्या जो है वो 100 है, तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या तो 10% अधिक है, यानी 100 से 10% अधिक, यानी पहली जो है 110 है, और दूसरी वाली 25% अधिक है 100 से, तो दूसरी वाली 125 हो जाएगी। ठीक है, ये है पहली और ये है दूसरी, तो इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। फिर से देखिए, मान लीजिए तीसरी संख्या जो है, तीसरी वाली संख्या 100 है, तो पहली संख्या जो है वो क्या है, 10% अधिक है, तो 100 से 10% अधिक, यानी पहली वाली तो 110 हो जाएगी। दूसरी जो है वो 25% अधिक है, 100 से 25% अधिक, मतलब 125 हो जाएगी। तो आपको निकालना है इन्हीं दोनों का रेशियो, 110:125। ठीक है, तो 110:125 5 से काट दीजिए, 22:25, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 22:25। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 91 पुस्तकों का क्रय मूल्य 65 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है 91 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी 91 CP लिख सकते हैं, 65 पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी 65 SP लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस 91 CP इक्वल टू 65 SP। ठीक है, आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ से आप लोग SP/CP निकाल सकते हैं, इस SP/CP क्या हो जाएगा आपका, 91/65 हो जाएगा, यानी SP सेलिंग प्राइस 91, सेलिंग कॉस्ट प्राइस 65। तो आप देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 91-65 लाभ कितने का होगा, घटा दीजिए, 11 में से 5 जाएगा 6, 2। ठीक है, यानी 26 प्रॉफिट होगा। अब इसी को आप लोगों को परसेंटेज में निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होता है, लाभ गुणे 100/ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका है 65, काट दीजिए, 5 से काटेंगे 13 आएगा, यहाँ पे 20, 13 × 26, तो 2 में 20 का गुणा कर देंगे, आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, तो कितना आएगा, 20×40%। ठीक है, तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 40%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40% लाभ। ठीक है, फिर से देखिए, यहाँ पे दिया है 91 वस्तुओं का क्रय मूल्य 65 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से SP/CP आप लोग निकाल सकते हैं, 91/65, तो यहाँ से 91 ज़्यादा है 65 से, यानी लाभ होगा। ठीक है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा, लाभ कितने का होगा, 91-65 यानी 26 का लाभ होगा, तो 26×100/ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका है 65, 5 से काट दीजिए, 13 आएगा, यहाँ पे 20, 13 से यहाँ पे काटेंगे, 2×20 यानी 40% का लाभ। ठीक है, तो इसमें 40% का लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 600 रुपये और 6 वर्षों में 650 रुपये हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज दर कितनी है? तो देखिए कैसे हल करेंगे, 4 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है और 6 वर्षों में 650 रुपये हो जाती है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 50, यहाँ पे 2, यानी 2 साल में 50 रुपये ब्याज। ठीक है, 4 साल में 600 रुपये, 6 साल में 650, यानी 2 साल का ब्याज 50 है, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 25 है, 1 साल का ब्याज कितना है, 25। देखिएगा ध्यान से, जब 1 साल का ब्याज 25 है, 1 साल का ब्याज क्या है, 25, तो आप लोग बता सकते हैं कि 4 साल का ब्याज कितना होगा, 25×100, 25×4 यानी 100 रुपये ब्याज।
ठीक है, एक साल का ब्याज 25 है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा 100। आप देखिए क्वेश्चन में आ जाइए, दिया गया है क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, 4 वर्षों में 600 रुपये धनराशि हो जाती है। इसका मतलब क्या है, 4 वर्षों में धनराशि 600 रुपये हो जाती है और 4 सालों का ब्याज अभी आप लोगों ने निकाला कितना आया 100। तो आप लोग यहाँ से राशि निकाल सकते हैं, मतलब कि मूलधन कितना था 500, ठीक है। 4 सालों में धनराशि 600 रुपये हो जाते हैं, यानी ये मिश्र धन दिया गया है और ब्याज कितना आया है 100 रुपये, तो यानी आपका ये मूलधन कितना होगा 500। तो आप लोगों को पूछा गया है ब्याज दर, ठीक है, ब्याज दर। तो आप लोग क्या जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, ठीक है। तो ब्याज आपका कितना आया है 100 आया है 4 साल का, पी आपका कितना आया है 500, रेट आपको निकालना है टी 4 साल ये 100, इसी को आप लोगों को हल कर लेना है, ठीक है। 2020 यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 20 25 100, तो यानी आर का मान आपका आएगा 5%, आर का मान क्या आएगा आपका 5% आएगा, ठीक है। तो यानी ब्याज दर कितनी है 5%, आपका ऑप्शन नंबर ए सही। फिर से देखिए, 4 सालों में ब्याज है 600, अब 6 साल में 650, तो यानी यहाँ पे 2 साल का अंतर है, 2 सालों का ब्याज 50 है, 2 साल का ब्याज 50, तो 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, सीधे सीधे 4 साल का ब्याज 100 है, 4 साल में धनराशि 600 है, ब्याज 100 रुपये है, तो यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं 500। अब आप लोगों को सब पता है मूलधन दर आपको निकालना है, समय 4 साल बट्टे 100 और 4 सालों का ब्याज है 100, इसी को हल करेंगे तो आपका आर जो आएगा वो 5% आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा 5%। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि पी रेशियो क्यू दिया है 2:7, तो आपको बताना है क्यू माइनस पी रेशियो क्यू प्लस पी, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए पी रेशियो क्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 2:7, आपको निकालना है क्यू माइनस पी। तो यहाँ से पी का मान 2 है, क्यू का मान 7 है, क्यू माइनस पी है यानी 7 माइनस 2, ठीक है, रेशियो क्यू प्लस पी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे तो आएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो आपका रेशियो क्या बनेगा 5:9, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 5:9। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि स्थिर जल में नाव की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है और धारा की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, धारा के विपरीत 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाव को कितना समय लगेगा। तो नाव की चाल दी गई है आपकी स्थिर जल में 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, धारा की चाल करंट, धारा की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत जाना है, तो धारा के विपरीत क्या करते हैं चाल को घटा देते हैं, बोट की चाल माइनस करंट की चाल, धारा के विपरीत बोट की चाल माइनस करंट की चाल, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर धारा के सदिश होता तो 20 प्लस 10 कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे धारा के विपरीत जाना है तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड, आपको दूरी कितनी तय करनी है 6 किलोमीटर, ठीक है, तो कितना समय लगेगा, टाइम पूछा गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 6 किलोमीटर है, ठीक है, तो धारा के विपरीत जाना है 6/10। अब देखिए यहाँ पे जो 6 दिया गया है वो किलोमीटर में है, 6 किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में बना लीजिए 6000, ठीक है, काट दीजिए 10 कट जाएगा, ये आपका आएगा 600 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड में आया है लेकिन आंसर में जो दिया गया है वो मिनट में दिया गया है, तो 600 सेकेंड को मिनट में बदल दीजिए, 600/60 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 मिनट, ठीक है। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 मिनट, नाव को कितना समय लगेगा 10 मिनट, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक साथ काम करते हुए ए बी और सी की दक्षताएं 5:3:2 के अनुपात में हैं, वे एक काम को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं,
बी अकेले उस काम का 40% कितने घंटे में पूरा करेगा। आप लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, टाइम गुणे इफिशियंसी, ठीक है। अब यहाँ आपको, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है तीनों की इफिशियंसी दी गई है, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ए बी सी तीनों की क्षमता दी गई है 5:3:2 के अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ से टोटल क्षमता आप लोग तीनों को जोड़ सकते हैं, 5, 3, 8, 2, 10, तीनों की क्षमता जो है 10 के बराबर है, ठीक है। अब तीनों को समय कितना लगता है, 21 घंटे। तीनों को समय कितना लगता है कार्य को करने में, 21 घंटे, तो समय है 21, तीनों की क्षमता कितनी है 10, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 210 कार्य, टोटल कार्य 210 कार्य। तो यहाँ पे दिया गया है बी अकेले उस काम का 40%, बी को करना है लेकिन काम का 40%। तो देखिए टोटल कार्य कितना आया है 210, तो 210 का 40% निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि बी जो करेगा वो कार्य का 40% करेगा। तो यहाँ से काट दीजिए 20, तो 40% जो आएगा 84, तो बी को जो करना है कार्य 84 कार्य करना है, ठीक है। तो बी का कार्य कितने घंटों में पूरा करेगा, देखिए ध्यान से, बी कितने घंटे में पूरा कार्य करेगा, 84 कार्य करना है, और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता आपको यहाँ पे दी गई है, बी की क्षमता है 3, ठीक है। ए बी सी तीनों की क्षमताएँ दी गई हैं, तो बी की क्षमता 3 है, तो यहाँ पे क्षमता 3 हो गई, 84/3 हल कर देंगे आपका आ जाएगा 28। तो यानी बी कितने घंटे में पूरा करेगा, 28 घंटे में, बी कितने घंटे पूरा करेगा 28 घंटे में, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दक्षता का रेशियो दिया गया है 5:3:2, तीनों की दक्षता का अलग अलग रेशियो दिया गया है, तो तीनों की दक्षता एक साथ, मतलब तीनों की क्षमता एक साथ आप लोग निकाल सकते हैं, तीनों की क्षमता हो जाएगी 10 के बराबर, ठीक है। अब तीनों यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन में, तीनों कार्य को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 घंटे में तीनों कार्य कर सकते हैं, तीनों की क्षमता कितनी है 10, और तीनों 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो टाइम गुणे इफिशियंसी तो हो गई, तो इनको गुणा करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, वर्क आपका निकल जाएगा 210। पूछा गया है बी को कितना समय लगेगा कार्य का 40% करने में, तो 210 का 40% सबसे पहले निकालेंगे, 210 का 40% निकालेंगे तो आपका आएगा 84, और बी की क्षमता कितनी है 3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 28 घंटे में बी जो है कार्य को कर लेगा अकेले, ठीक है। बी अकेले उस काम को 28 घंटे में पूरा कर लेगा, काम का 40%, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा ए आएगा, 28 घंटे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दो बेलनों की आधार त्रिज्याएँ 2:5 के अनुपात में और उनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है, π r² h, ठीक है। तो यहाँ पे दो बेलन है, यानी π r² h, ठीक है, π r² h1, π r² h2, इनका रेशियो ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे r1 r2 दिया गया है आप लोगों को, r1:r2 और यहाँ पे h1 h2, तो पाई तो वैसे ही कट जाएगा, का बस आप लोगों को मान रख देना है। r1 आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। h1 आपका 5 है, r2 5 का स्क्वायर यानी 25, h2 7, ठीक है। इसी को आप लोगों को हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 5×5=25, ठीक है। तो यानी क्या आ जाएगा, ऊपर 4 नीचे आपका आएगा 35, ठीक है। तो बेलन उनके आयतनों का अनुपात क्या आ जाएगा, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात आपका आ जाएगा 4:35, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज की सवालें 5 से 10 सेकंड में कैसे हल करना है सिखाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। देखिए इसे कैसे हल करेंगे, यदि 52,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया है तो ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवालों में आप लोगों को रेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेट आपका क्या दिया गया है 10%, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 में 1 का ब्याज, 10 में 1 का ब्याज मतलब मूलधन 10 है
तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 1 रुपये का ब्याज है। अब ये 3 साल के लिए है तो दूसरे साल भी वही होगा और तीसरे साल भी वही होगा, ठीक है। अब इधर क्या करना है, इन तीनों का गुणा करना है, इधर इन तीनों का गुणा करना है। तो देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे तो आ जाएगा 1000, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1331। ये आपका है मूलधन, ये आपका है मिश्रधन, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में भी आप लोगों को मूलधन दिया गया है 52,000, ठीक है। तो यानी 1000 का मान आ गया आपका 52,000 के बराबर, 1000 का मान आपका आ गया 52,000 के बराबर। तो एक का मान कितने के बराबर आएगा, 52 के बराबर। तो आप लोगों को निकालना क्या है, ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया है तो ब्याज ज्ञात करें, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज सी आई आपका क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए तो आपका आया है 1331 और पी आपका कितना आया था 1000, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 331। इसी 331 का आप लोगों को मान ज्ञात करना है। एक का मान आ चुका है 52, तो 331 का मान क्या आएगा, 331 गुणे 52। तो आपका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 17,212। तो ये आपका आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये है सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड इसको बोलते हैं, हल करने का तरीका होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 17,212 रुपये, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर से देख लीजिए, रेट दिया गया है 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपये में 1 रुपये का ब्याज। अगर 10 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन बनेगा 11, 3 साल भी, दूसरे साल भी वही और तीसरे साल भी वही। इन तीनों का गुणा करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1000, ये आपका मूलधन है, इधर गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1331, ये है आपका मिश्रधन। आप लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, ठीक है। तो 1331 माइनस 1000 करेंगे 331 आएगा, 331 का मान आप लोग निकालना है। आप लोग मान कैसे निकालेंगे, मूलधन आपका 1000 आया है, मूलधन आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है 52,000, काट देंगे, एक का मान आपका आ जाएगा 52 के बराबर। तो 331 का मान भी आप लोग निकाल सकते हैं, 331 गुणे 52, ठीक है। गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 17,212 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ईजी है ये, आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले जो प्लस में है उसको जोड़ लीजिएगा, उसके बाद माइनस वाला घटा दीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1.26। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 है आपका, एक आदमी 1 रुपये में 13 पेन खरीदता है, 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 1 रुपये में 13 पेन खरीदता है, ठीक है, तो उसको अब लेना है लाभ। तो अब 1 रुपये में कितना पेन बेचेगा कि इसको 30% का लाभ होगा। सबसे पहले एक बात बताइए आप लोग, एक आदमी है 1 रुपये में 13 पेन खरीदता है, अब उसको लाभ चाहिए, तो 13 पेन से कम बेचेगा, 10 पेन बेचेगा, 5 पेन, 1 रुपये में 5 पेन बेचेगा, क्योंकि खरीद के लोग लेके आया था 13 पेन। अब 1 रुपये में अगर 10 पेन बेचता है तो उसको लाभ होगा ना 3 पेन का, ठीक है। तो यानी कम बेचेगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका कम आएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या आएगा, आपको ऑप्शन में दिया गया है 15, 8, 5, 10। चलिए आपको मैं ऑप्शन से नहीं बताता हूँ, यहाँ पे क्या दिया गया है, 30%। 30% का मतलब क्या होता है, 30/100, और इसका मतलब क्या होता है, 3/10, यानी 10 में 3, यानी 3 पेन का लाभ होगा 10 में। तो चेक कीजिए, 3/10 × 100, अब इसका परसेंटेज निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा 30% के बराबर, यानी 3 पेन 30% के बराबर है, ठीक है। तो 13 पेन 1 रुपये में बेचता है तो 13 से 3 कम, ठीक है, बेचेगा। 1 रुपये में 13 पेन खरीदता है, सॉरी, 1 रुपये में 13 पेन खरीदता है तो 1 रुपये में अगर 10 पेन बेचेगा तब उसको 30% का लाभ होगा, ठीक है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर से देखिए, 1 रुपये में 13 पेन खरीदता है, अब 1 रुपये में कितना पेन बेचेगा कि उसको 30% का लाभ हो, 30% का मतलब 3/10, यानी 3 पेन का अंतर आ रहा है, तो यानी 3 कम कर दीजिए,
ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 90 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे दो, क्योंकि यहाँ पे विकर्ण दिया गया है, तो इस केस में वर्ग का क्षेत्रफल जो बनेगा विकर्ण का स्क्वायर बटे दो होता है। ठीक है, विकर्ण आपको क्या दिया गया है, 90 का स्क्वायर बटे दो, 90 का स्क्वायर मतलब 90 × 90 बटे दो, ठीक है, तो यानी आपका आ जाएगा, गुणा कर लेंगे आप लोग तो आपका आ जाएगा 8100 बटे दो, ठीक है, भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 × 8 4050 आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, डी वाला आपका आएगा 4050 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये तो काफ़ी इजी है, आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, 45 12 सबसे पहले जोड़ेंगे 57, 57 में से 15 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 42। नीचे देखिए 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 6 1 7 42/7 तो क्या आ जाएगा 6, यानी इसका आंसर है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आय बचत खर्च से रिलेटेड है क्वेश्चन, इसे आप लोग कैसे हल करेंगे 5 से 10 सेकंड में, देखिए कैसे हल करेंगे। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, दोनों में से प्रत्येक 600 रुपये बचाता है, यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 है तो बी की मासिक आय कितनी है, देखिए कैसे हल करेंगे इसे। आप लोग जानते हैं आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत, व्यय एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होता है। अब यहाँ पे दिया गया है आपको रेशियो में, आय का अनुपात दिया गया है 4:3, 4:3 ये क्या है आय का अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्यय का अनुपात दिया गया है, उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 है, ये क्या है व्यय का अनुपात, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आई बराबर ई प्लस एस होता है, आई माइनस ई बराबर क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, तो बचत का आप लोगों को निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचत का रेशियो नहीं दिया गया है, तो बचत का रेशियो कैसे निकालेंगे, आई में से ई घटा देंगे, तो आप लोग घटा दीजिए यहाँ पे, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 1:1 ये बनेगा आपका सेविंग का रेशियो, ठीक है, 1:1 ये बनेगा सेविंग का रेशियो दोनों का। अब दिया भी गया है दोनों में से प्रत्येक 600 रुपये बचाता है, दोनों में से प्रत्येक का मतलब क्या है, मतलब दोनों व्यक्ति 600 रुपये बचाते हैं, ये भी 600 रुपये बचाता है, ये भी 600 रुपये बचाता है, ठीक है, तो यानी एक का मान है 600, ठीक है, सेविंग का रेशियो क्या है 1:1 है, अब दोनों व्यक्ति 600 रुपये बचाते हैं, यानी एक का मान 600 है। आपको निकालना है बी की मासिक आय, बी की मासिक आय निकालना है आप लोगों को, यहाँ पे A:B है, ठीक है, बी की मासिक आय, आय देखिए आय का रेशियो यहाँ पे है, बी का भी 3 मान है, ठीक है, शुरू में ही दिया गया है A:B, इनकी आय का रेशियो है 4:3, ये है आय का रेशियो, तो बी का रेशियो कितना है 3, यानी आप लोगों को 3 का मान निकालना है। अभी आप लोगों ने निकाला एक का मान क्या आया 600, तो 3 का मान क्या आएगा 3×600 तो कितना आ जाएगा 1800, तो बी की मासिक आय कितनी आ गई 1800, तो आपका आंसर आ जाएगा ए वाला, ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर से देखिए आय इनकम, इनकम का रेशियो दिया गया है 4:3, उसके बाद व्यय का रेशियो भी दिया गया है आप लोगों को 3:2, लेकिन बचत का रेशियो नहीं दिया गया, बचत का रेशियो कैसे निकालेंगे, आई में से ई घटा देंगे, ठीक है, घटा दीजिए, घटाएंगे तो 1:1 आएगा, ये आएगा बचत का रेशियो। अब दिया भी गया है दोनों व्यक्ति 600 रुपये बचाते हैं, दोनों व्यक्ति, ठीक है, दिया गया है आपको उनमें से प्रत्येक 600 रुपये बचाता है, मतलब दोनों व्यक्ति 600 रुपये बचाते हैं, तो एक का मान है 600। आपको निकालना है बी की मासिक आय, बी की मासिक आय यहाँ पे देखिए ये है बी का रेशियो 3, तो यानी 3 का मान निकालना है, 3×600 आपका आ जाएगा 1800। तो इस प्रकार आप लोग हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर हल हो जाएगा।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बीस देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 30 और 40 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को एटलीस्ट 10 सेकेंड के अंदर हल कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को भी कैसे हल करेंगे 5 सेकेंड के अंदर। यहाँ पे वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो 15, 30 और 40 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, यानी आप लोगों को 15 और 30 40 का निकालना है मस, यानी HCF। तो मस आप लोग कैसे निकालेंगे, फास्ट देखिए 15 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इनका डिफरेंस चेक कर दीजिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 का। तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अब 10 है, 10 से चेक कीजिए कि 10 से तो 15 नहीं कटेगा, यानी HCF 10 नहीं होगा, लेकिन 10 का फैक्टर क्या होता है 5, तो बड़ी वाली लेंगे क्योंकि म से पूछा है। तो 5 को चेक कीजिए, 5 से सब कट जाएगा, यानी इस HCF इसका आएगा 5, HCF क्या आ जाएगा 5, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 15, 30, 40 डिफरेंस चेक करना है, यहाँ पे तो 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो जहाँ पे कम डिफरेंस है वहाँ पे जाएंगे 10। अब 10 से चेक कीजिए कि तीनों नंबर कट रहा है, नहीं कटेगा, तो 10 का फैक्टर कर दीजिए, ये आएगा। तो 5 को चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। तो 5 से तो कट जाएगा, यानी HCF क्या आ जाएगा इसका 5, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग HCF निकालना जानते ही होंगे, आप लोग HCF निकाल दीजिएगा इसका, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5। तो अब आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ये 20 क्वेश्चन 3 मई शिफ्ट 1 2023 में पूछे गए हैं SSC MTS में, ठीक है। तो अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।